नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी शीट वी लुकअप की। अब हमारे पास अगर डेटा दो शीटों में है तो किस तरह से एक शीट में हम इसको अप्लाई करेंगे, एक ही सेल में दोनों शीट से डेटा लुकअप हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को अपने मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक कर दें। और हमारे मान लीजिए कभी हमारे वीडियोज आपको ढूंढना हुआ तो आप यूट्यूब में जस्ट आप सर्च करेंगे आईपीटी इंडिया। जी हाँ, यूट्यूब पेज आप यूट्यूब को खोलेंगे और यूट्यूब पे जाके आप आईपीटी इंडिया को सर्च कीजिए। जैसे आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे हमारा चैनल यहाँ पे आ जाएगा, मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो ठीक है। मैंने यूट्यूब पे अभी तक 2200 वीडियो दिख रहा है आपको, 2202 वीडियो अपलोड कर दिए और डेली 5-7 वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं करता हूँ और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं मल्टी शीट वी लुकअप की, कि अगर आपके पास डेटा दो शीटों में है तो कैसे लुकअप करेंगे। जैसे आप देखिए, एक में डेटा 1 से लेकर 10 तक है, दूसरे में डेटा 11 से लेकर 20 तक है। मुझे यहाँ रिपोर्ट के अंदर देखिए 1, 2, 11, 20 इस तरह से है, जो कि दोनों शीट का डेटा है। बट वी लुकअप कहता है कि एक वी लुकअप किसी एक शीट से ही डेटा लुकअप कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे दो वी लुकअप लगाने हैं, एक सेल में दो वी लुकअप कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ एरर फॉर्मूला, इफ एरर। और हम यहाँ पे इफ एरर में क्या होता है कि दो फॉर्मूले इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पहला फॉर्मूला एरर दिया तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर ले। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप दिया कि आईडी और डेटा में चले गए और डेटा को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, comma 2, comma 0। और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे अगेन दूसरा वी लुकअप का, और दूसरा वी लुकअप हमारा दूसरे डेटा से लगेगा, comma 2, comma 0। तो अब एंटर मारते हैं। अगर सीट हमारा डेटा वन सीट वन से हुआ तो इफ एरर क्या करेगा कि अगर पहला जो एरर देगा रिजल्ट, तो फिर दूसरा को दूसरे वी लुकअप को परफॉर्म करेगा। अगर पहला एरर नहीं दिया तो दूसरे को स्किप करके पहले को ही शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो दोनों शीट से मेरा डेटा लुकअप होके आता है। लेकिन मान लीजिए आपका डेटा तीन सीट पे है तो क्या कीजिएगा। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम कॉमा तीसरा वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे नॉर्मल लगाते हैं कि इसको सिलेक्ट किया और डेटा टू इस तरह से करेंगे। तो यहाँ तो तीसरा वी सीट है नहीं, बट आप लोग इजिली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चौथा पांचवा, इस तरह से आप इफ एरर बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में वी लुकअप लगाते चले जाएंगे। तो ये हमारा था मल्टी शीट मल्टी डेटा वी लुकअप। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल था। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। हम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो ही अपलोड नहीं करते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन अपने घर पे लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन ले सकते हैं। पूरी की पूरी एडवांस एक्सेल वीवीए माइक्रो जितना यहाँ कोर्स दिख रहा है आपको, एडवांस एक्सेल प्रो वर्किंग प्रोफेशनल, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस डेटाबेस, डैशबोर्ड, सीक्वल, टैबलो, पावर बीआई, इस सब की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरी की पूरी कोर्स नहीं करनी है, पूरा एक्सेल नहीं करना है, मेरे पास 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक करना है, आपके काम ऑफिस में 10 टॉपिक यूज होता है वो करना है, तो आप ये 10 टॉपिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कस्टमाइज ट्रेनिंग को ले सकते हैं। तो हम पहले 3-4 क्लास एज ए फ्री डेमो देते हैं, 3-4 क्लासेस आप लेके देखिए और अच्छा लगा तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो डेमो क्लास लेने के लिए आपने वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।